महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने लिस्ट अपनी जारी की है। पहले लिस्ट में 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें फडणवीस का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। 288 सीटों में महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होना है, वहीं झारखंड में दो फेजेस में चुनाव होंगे। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र में पहले लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दो सौ 88 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है एक फेज में महाराष्ट्र में, और ऐसे में फडणवीस का नाम इस पहली सूची में ही शामिल है। बीजेपी की यह लिस्ट नागपुर दक्षिण पश्चिम से कामठी चंद्रशेखर बावनकुले, शहादत से राजेश उदय सिंह को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी की यह सूची रावेर से अमोल जावड़े, शिरपुर से काशीराम वेचन, धूरे शहर से अनूप अग्रवाल को बीजेपी की तरफ से चुनाव दिया गया है। यह 99 उम्मीदवारों की लिस्ट है, यह पहली सूची है। बीजेपी की तरफ से भूसावल से संजय वामन सावरकरे, जलगांव शहर से सुरेश दामू को टिकट, चालीस गांव से मंगेश रमेश पर बीजेपी दाव खेल रही है। औसा से अभिमन्यु पवार को टिकट, तुलजापुर से पद्म सिंह पाटिल को टिकट, सोलापुर शहर उत्तर से विजय कुमार देशमुख को टिकट बीजेपी ने दिया है। अकलकोट से सचिन कल्याण शेट्टी को टिकट, सोलापुर दक्षिण से सुभाष देशमुख, मान से जय कुमार को टिकट, कराड़ दक्षिण से अतुल सुरेश भोसले, सतारा से छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले, कंकावली से नितेश नारायण राणे को टिकट बीजेपी ने दिया है। कोल्हापुर दक्षिण से अमल महादिक का नाम भी इसमें शुमार है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया गया, महत्वपूर्ण ये भी कि फडणवीस का नाम भी इसी में शामिल है पहली सूची में। सत्यप्रकाश चलिए दोबारा कनेक्ट करेंगे सत्यप्रकाश को, लेकिन ये 99 उम्मीदवारों की ये पहली सूची है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। इसी के साथ झारखंड का भी पहला लिस्ट आ चुका है बीजेपी की तरफ से, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में और ये जो सूची है उसमें फडणवीस का नाम भी शामिल है। तो महाराष्ट्र के लिए बीजेपी समय पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार रिपीट हो सके, और ऐसे में जो उनके सहयोगी दल है उनको लेकर के पहले सीट फाइनलाइज दिल्ली में किया गया गृहमंत्री अमित शाह के घर पर, और अब महाराष्ट्र के रण की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। फडणवीस के नाम का भी ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र झारखंड के लिए बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र के लिए कुल 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से सबसे पहले किया गया है। 288 सीटें विधानसभा की, महाराष्ट्र में एक ही फेज में ये चुनाव होना है, और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी दाव चलती हुई नजर आ रही है। पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जिसमें 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। फडणवीस का नाम भी इसमें शुमार है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र झारखंड के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला पहले तय किया गया, क्योंकि अजित गुट भी उनके साथ इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ ही शिंदे गुट भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश मेरे साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश क्या आपका आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, सवाल करें जी। सत्यप्रकाश, ये पहली सूची जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है, बीजेपी किस तरीके से दाव चलना चाहती है, क्योंकि सरकार रिपीट हो उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शिखा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो अपने पुराने जो विधायक थे उन पर भरोसा दिखाया है, और उन्हीं भरोसे के दम पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, जो मुंबई और महाराष्ट्र दोनों मिलाकर 99 सीटों का जो है डिक्लेरेशन कर दिया है। सारे उम्मीदवार जो है कहीं कहीं एक्शन मोड पे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि पहले लोगों को विश्वास मिले लिया जाए, उसके बाद उन्हें सिर्फ शेयरिंग में शामिल किया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए। तो एक बात जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि इनका टिकट कटेगा उनका टिकट कटेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था उन्हें टिकट दिया है, और उन्हें मौका देकर ये जता दी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम पुराने विधायकों पर भरोसा रख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है मौजूदा हालात में 105 विधायक है, 99 सीटों पर डिक्लेरेशन किया गया है। मुंबई की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया है, महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें हैं
जिन पर नाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान में चाहे वो मालवार हिल की बात हो या फिर नितेश राणे की बात हो, नितेश राणे को भी भरोसा दिखाया गया।